नमस्कार, बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद से करीबन 25 किलोमीटर दूर जो वन विभाग के काले कारनामे हैं वो हम आपको दिखाने की प्रयास करेंगे। जो फतेहपुर रेंज में आते हैं, आपको बताएं कि एक जंगल है वहां पर जो टांडा के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से करीबन चार जंगल है, चारों जंगलों में इसी तरीके के कारनामे हैं। आपको बताएं कि जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने हैं कि माँ के नाम हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, लेकिन वहीं पर आपको बताएं कि अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि गड्ढे खुदवाते हैं और सब कुछ करते हैं, कागज पर दिखाते हैं हमारा काम 99% हो गया, लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से पेड़ों को कुरवा देते हैं और वो पेड़ सूखने की कगार पर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हमारे डेपो साहब आकाशदीप बधावन ऐसे कर्मचारी और अधिकारी पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। खबर में अंत तक बने रहिए, पूरी हकीकत जानिए। इस खबर में आखिर पूरा मामला क्या है, खबर को विस्तार से देखें। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर और जो है इधर पड़ता है फतेहपुर 6 किलोमीटर है, तो फतेहपुर और जो है बाराबंकी मुख्यालय से बीचों बीच में करीब 23 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर जो है फतेहपुर है और बाराबंकी है, ये रोड से करीब करीब टांडा निजामपुर अली के लिए जो रोड गया है तो 1 किलोमीटर आना पड़ता है, और उसके बाद जो छोटा सा लिंक मार्ग है, लिंक मार्ग से करीब करीब 500 मीटर इधर जो है फतेहपुर तरफ आते तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर पेड़ जो है रखे हुए हैं, और जो पेड़ रखे हुए हैं वो पेड़ अर्जुन के हैं और प्रास्टिस जो है जिसको जंगली बबूल कहते हैं, जंगली बबूल कहा जाता है, तो जंगली बबूल दो तरीके हैं, तो दो ट्राली अर्जुन का पेड़ है और दो ट्राली प्रास्टिस बबूल जंगली है, इस तरीके से जो है यहाँ पर रखा गया है, जिसको एक भी पेड़ वृक्षारोपण नहीं किया गया है, सारे के सारे सूखने की कगार पे हैं, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है वन विभाग की लापरवाही की गई है। जो है एक जंगल में बहुत ही बियाबान जंगल है, जंगल में मौजूद हूँ, तो जंगल में आने का मकसद क्या है, वन विभाग की जो काली करतूत है उसको दिखाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो जो है इसको बोलते हैं निजाम अली टांडा निजाम अली, तो यहीं पर जंगल का नाम जो है गांव देहात में टांडे का जंगल कहते हैं, ये टांडे का जंगल है, तो वन विभाग के अधिकारियों के कर्मचारियों ने इस जंगल में वृक्षारोपण करने के लिए जो है चुना है, तो वृक्षारोपण किस तरीके से किया है, यहाँ पर गड्ढे खुदवा दिए हैं, यानी सरकार का लाखों रुपया हजार रुपया खर्चा हो गया है, ये गड्ढे खुदवा दिए हैं, ये गड्ढा है, गड्ढे खुदवा दिए हैं, और यहाँ पर जो चार ट्राली पेड़ ला करके जो है रखवा दिया है, ये देखिए मैं कैमरे से दिखाया कि इस तरीके से है, ये सब जो है पेड़ रखे हुए हैं, ये देखिए ये पेड़ है, इस तरीके जहाँ पर पेड़ रखे हुए हैं, यानी पेड़ रखे हुए हैं और एक भी पेड़ लगवाया नहीं गया, हमने जंगल में जो है करीब करीब 4 किलोमीटर दूर जंगल तक पूरा घूम के सर्वे किया है, ये देखिए यहाँ भी जो है पेड़ रखे हुए हैं, ये है काली पॉलीथीन में पेड़ रखे हुए, लेकिन एक भी पेड़ लगाया नहीं गया है, इस तरीके से जो है केवल ये सूखने लायक है। जुलाई में जो है पेड़ लगाने का वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, जुलाई के बाद अगस्त बीता, सितंबर बीता, अक्टूबर बीतने वाला है, 18 अक्टूबर है, ये देखिए इस तरीके से चार ट्राली पौधे यहाँ लगा के रखवा दिया है लेकिन लगाया नहीं है, तो इस तरीके से ये रेंज पड़ती है फतेहपुर रेंज जो है पड़ती है, तो फतेहपुर रेंज के जो रेंजर है और अधिकारी कर्मचारी है उन सब लोगों की ये लापरवाही है। ये देखिए गड्ढा जो है, ये जो तमाम गड्ढे पट गए हैं, ये गड्ढा है और ये गड्ढा है, इस तरीके से तमाम सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, और देखिए ये देखिए एक गड्ढा इधर है, ये गड्ढा है और ये देखिए यहाँ पर गड्ढा है, इस तरीके से पूरे जंगल में ये देखिए इधर दिखाए कि ये देखिए ये है गड्ढा है और ये गड्ढे हैं और आगे गड्ढा है और इधर आइए, इस तरीके से तमाम गड्ढे खोदे गए हैं और लाखों करोड़ रुपया जो है सरकार का फर्जी खर्चा किया गया है, तो चार ट्राली पेड़ भी लाए गए हैं और गड्ढे भी खोदे गए हैं लेकिन रोपाई करने की फुर्सत
नहीं मिली है, रोपाई नहीं किया है, तो जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री का सपना है कि हम धरती की हरियाली को मिटने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे और जो है वृक्षारोपण कराएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उनके अधिकारी कर्मचारी इस तरीके से जो है लापरवाही करते हैं कि तमाम रुपया भी खर्चा होता है, वो तमाम रुपया का गबन किया है। भाई जब गड्ढे में पेड़ लगा नहीं है, सिंचाई नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है, तो लाखों रुपये का गबन किया है और जो है यह भी गड्ढा है, गबन किया है और इस तरीके से जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ये जंगल करीब करीब 4-5 किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरे जंगल में वृक्षारोपण के लिए 4 ट्राली पौधे लाए गए हैं, गड्ढे भी खुदवाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न तो जो है एक भी पौधे का रोपण किया गया है, न सिंचाई उचाई की गई है, ये सारे के सारे पौधे सूखने की कगार पे हैं। अब देखना यही है कि हमारी खबर को संज्ञान में लेकर के तेज तर्रार वन अधिकारी आकाशदीप बधावन जी, जो फतेहपुरन के अधिकारियों ने ये लापरवाही की है, तो क्या ठोस कार्रवाई करते हैं जिससे कि भविष्य में इस तरीके की लापरवाही ना हो और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सपने को पूरा किया जा सके कि वृक्षों की जो धरा की जो धरती की हरियाली नेस्तनाबूद ना हो पाए। यही अधिकारी लोग पेड़ कटाने में आगे रहते हैं लेकिन पेड़ लगवाने में बहुत ही पीछे रहते हैं। अब देखना यही है कि क्या ठोस कार्य होते हैं जिससे कि वन संपदा की हरियाली बची रहे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सपने को पूरा किया जा सके, उनकी मंशा को साकार किया जा सके। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, रेडियो जर्नलिस्ट आर एस शर्मा के साथ बाराबंकी।